प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ ऐसा क्या उपाय है जिससे तुम्हारी सब बातें हृदय में पूर्ण रूप से बैठ जाएं? माँ, हाँ हो सकता है, इस शरीर को तुम लोग बच्ची बना लो, इससे शरीर का तुमको स्मरण रहेगा। प्रश्न करता, माँ सत्संग कैसे करना चाहिए, यह समझ में नहीं आता, आप कृपा करके समझाएं। माँ, समझ में यदि आ गया तो फिर सत्संग की क्या आवश्यकता? प्रश्न करता, माँ कैसे सत्संग करना चाहिए? माँ, ऐसी बात है, अच्छा जाओ वृक्ष के तले बैठो। प्रश्न करता, समझ में नहीं आया माँ, वृक्ष के तले क्यों बैठें? माँ खूब हंसते हुए कहा, एक बार इस शरीर के पास कोई आया था, इस शरीर ने उससे कहा हर वक्त मुंह में मिश्री का टुकड़ा रखना। वे इसका अर्थ नहीं समझ सके और जैसे पान मुंह में रखते हैं वैसे ही मिश्री का टुकड़ा मुंह में रखने लगे। यह शरीर जब कलकत्ता गया तो वे फिर मुलाकात करने आए तो देखा उनके मुंह में मिश्री का टुकड़ा है। इस शरीर ने पूछा मुंह में क्या रखा है? उन्होंने कहा माँ आप ही ने तो कहा था मिश्री का टुकड़ा हर समय मुंह में रखना। यह शरीर खूब हंसा और उनसे कहा इस शरीर की बात का मतलब तुम समझे नहीं, मिश्री का टुकड़ा माने भगवान नाम, हर समय मुख में रखने को कहा था, ऐसे ही करते करते भगवान नाम भी मीठा लगेगा। प्रश्न करता, माँ आपने जो वृक्ष के नीचे बैठने वाली बात कही वह भी समझ में नहीं आई। माँ, जहां महापुरुषों का उपदेश होता हो वहां जाकर बैठना, मन में प्रश्न आए तो पूछना, महात्मा लोग शंका का समाधान कर देते हैं, जैसे वृक्ष के नीचे बैठने से वृक्ष छाया देते हैं, फल का वृक्ष हो तो फल भी देते हैं, फल देना माने अपने को देना, ऐसे ही महात्माओं के चरणों में बैठने से वे शांति देते हैं एवं आत्मदान करते हैं। माँ हंसते हुए कह रही हैं, ऐसे ही दूसरे किसी से भी इस शरीर ने कहा था तुम त्रिफला का जल पान करो, वह सचमुच ही त्रिफला का जल पीने लगा, इससे उसको सर्दी हो गई। उसने आकर इस शरीर से कहा आपने त्रिफला जल पीने को कहा था, उससे मुझे सर्दी हो गई है। इस शरीर ने कहा यह त्रिफला का जल नहीं, सत्व रज तम यह त्रिफला है, असली रस इससे भी ऊपर है, त्रिगुणातीत रस को प्राप्त करके उसका पान करो। उन्होंने पूछा था कैसे शांति प्राप्त हो तो इस शरीर ने कहा त्रिफला का रस पियो। प्रश्न करता, माँ त्रिफला क्या है? माँ, जो त्रिगुणातीत है माने सत्व रज और तम, इन तीनों में जो निबद्ध नहीं है वही असली रस है। प्रश्न करता, यह त्रिगुणातीत रस कैसे मिले? माँ गुरु कृपा से। प्रश्न करता, माँ गुरु कृपा से? बात समझ में नहीं आई। माँ, कुछ दिन पहले इस शरीर के पास कोई आया था और कहता था तुम क्या मनुष्य को गुरु करने को कह रही हो? इस शरीर ने कहा मनुष्य को गुरु मानना क्यों, पहले शिष्य बनना सीखो, जब जमीन तैयार होगी तो गुरु बीजारोपण कर देंगे। प्रश्न करता, सच्चा शिष्य कैसे बने? माँ, अर्जुन कैसे भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से की है। प्रश्न करता, माँ शिष्य ही जब ना हो तो गुरु क्या करेगा? माँ, जहां गुरु की बात है वहीं शिष्य की बात आती है, शिक्षक ना हो तो छोटा बच्चा विद्या कैसे सीखे? जब तक छोटा बच्चा स्कूल ना जाए तब तक विद्यार्थी कैसे कहा जाए? प्रश्न करता, माँ गुरु को ढूंढने की बात तो बड़ी मुश्किल है, स्कूल में तो शिक्षक बदलते रहते हैं लेकिन सुना है कि गुरु करने के बाद फिर बदल नहीं सकते। माँ, जैसे शिक्षक बदल जाता है वैसे गुरु को बार बार बदला नहीं जाता, यदि शिष्य के हृदय में गुरु प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता आए तो समझना चाहिए कि अब गुरु मिलने में देर नहीं है। गुरु प्राप्ति जब होनी होती है तो शिष्य के हृदय में अभाव जागृत होता है कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, गुरु कहाँ नहीं है,
गुरु अंदर भी है बाहर भी है। प्रश्न करता, मां यदि दीक्षा गुरु का देहांत हो जाए तो क्या करें? मां, दीक्षा गुरु का देहांत हो गया है यह तुम्हारा भ्रम है। देह दृष्टि से अवश्य उनका शरीर छूट जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो आध्यात्मिक संबंध की गांठ बंधी है वह कभी टूटती नहीं। तुम में दिव्य दृष्टि नहीं है, इसलिए देखना कठिन है। एक दृष्टि से हैं, एक से नहीं। आत्मिक दृष्टि से देखें तो सर्वदा हैं, देह दृष्टि से देखें तो देह नहीं है। गुरु बिना कोई है ही नहीं, तुम्हारा गुरु ही जगत का गुरु है। प्रश्न करता, मां आपने कहा गुरु अंदर भी है और बाहर भी है, यह बात समझ में नहीं आई। मां, अंदर बाहर गुरु एक ही है। अंतर के जन्म जन्मांतर के अज्ञान रूपी अंधकार को गुरु हटाते हैं। भगवान अंतर्यामी गुरु रूप से अंधकार का नाश करते हैं, तो क्या गुरु अंदर नहीं है? तुम तो शास्त्र पढ़ते हो, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने परीक्षित की रक्षा कैसे की? इससे समझना कि वे अंदर हैं। वे अंदर भी हैं और बाहर भी। गुरु साक्षात भगवान है। भगवान के सिवा गुरु कौन हो सकता है? जैसे एक व्यक्ति एमए पास करके छोटे बच्चे को क ख लिखना सिखाता है, तो क्या उस समय उनका एमए का ज्ञान अदृश्य हो जाता है? सर्व रूप में एकमात्र भगवान ही है। शायद इस बात में तुमको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो, जैसी तुम्हारी दृष्टि है, उस अवस्था में यह बात समझ में नहीं आएगी। चश्मा नहीं है ना? चश्मा, ज्ञान नेत्र होने से देख सकते हो। गुरु क्या कभी मनुष्य हो सकता है? गुरु साक्षात भगवान है। गुरु का स्थान दूसरा कोई मनुष्य नहीं ले सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि करना महापाप है। ऐसे ही भगवत विग्रह में भी पत्थर बुद्धि नहीं करनी चाहिए। प्रश्न करता, मां मूर्ति में भगवत बुद्धि रखना आसान है, लेकिन किसी मनुष्य को गुरु मानकर भगवत बुद्धि करना मुश्किल है। मां, तुम व्यापारी के माफिक हो। यत्र जीव तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी। जीव मात्र शिव है, नारी मात्र भगवती गौरी है। ऐसे ही सब जीवों में शिव बुद्धि और स्त्रियों में गौरी बुद्धि हो जाएगी, तब भगवत प्राप्ति होगी। भगवान की सर्व रूपों में जब तक प्राप्ति ना हो, तब तक सच्ची भगवत प्राप्ति नहीं। भगवान को सब रूपों में प्राप्त करना चाहिए। हर एक रूप में कौन है? भगवान ही सब रूपों में विराज रहा है। जैसे हनुमान जी ने कहा था, आत्मदृष्टि से मैं और श्री राम एक हैं, जीव दृष्टि से भगवान श्री राम पूर्ण है और मैं अंश हूं, और देह दृष्टि से भगवान राम मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। किसी भी उपाय से यदि भगवत प्राप्ति हो जाए, तब सर्व प्राप्त हुआ कहा जाएगा। गुरु का दर्जा बहुत बड़ा है। तुम जिस अवस्था में हो, वहां से वैसा ही दिखाई देगा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसलिए यह शरीर कह रहा है, वट वृक्ष के नीचे महात्माओं के सत्संग में ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करो। बैठते बैठते अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। यदि भगवान की अहितु की कृपा हो जाए, तो अज्ञान रूपी बादल हट जाएगा और भगवान रूपी सूर्य का दर्शन होगा। सत्य बात यह है कि सूर्य तो हर समय प्रकाशित है। बादल को हटाने के लिए ही सब साधन भजन। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।